चलिए आज की वीडियो में देखते हैं नागालैंड में होने वाले हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में। इसकी हिस्ट्री क्या है, कौन सी जगह होता है और कब होता है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। वह नागालैंड को तो त्योहार की भूमि के रूप में जाना जाता है और इस हॉर्नबिल फेस्टिवल को तो त्योहारों का त्योहार के रूप में जाना जाता है। ये फेस्टिवल हर साल दिसंबर में 1 से 10 तारीख के बीच मनाया जाता है। ये फेस्टिवल को नागालैंड के कोहिमा से लगभग 10 किलोमीटर दूर आए हुए किसामा विलेज में मनाया जाता है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए कोहिमा से आसानी से पहुँचा जा सकता है। अगर आपको फ्लाइट या ट्रेन से जाना है तो कोहिमा में अपना रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट नहीं है, आप दिमापुर तक जा सकते हैं। वहाँ तक गुवाहाटी, कोलकाता, दिल्ली जैसे शहरों से डोमेस्टिक फ्लाइट या तो ट्रेन मिल जाती है। फिर दिमापुर से कोहिमा तक कैब से जाना होगा, जो 2 घंटे का रास्ता है, और कोहिमा से किसामा तक 2 मिनट का रास्ता है। वहां तक पहुंचते ही आपको फेस्टिवल की टिकट्स भी लेनी होगी, जो 20 से 30 रुपए की है, और कैमरास के भी अलग से लेनी होगी, जो करीब 50 रुपए की है। और हाँ, आपको इनर लाइन परमिट लेना भी जरूरी है। तो ये फेस्टिवल देखने हर साल कई लोग आते हैं। इसका नाम हॉर्नबिल पक्षी से रखा गया है, जो आपको नागालैंड के जंगलों में देखने मिलेगा। इस त्योहार को करीब वर्ष 2000 से मनाया जाता है। इस त्योहार में आपको नागालैंड की संस्कृति सम्मान के साथ दिखाई जाती है। राज्य पर्यटन कला और संस्कृति विभाग नागालैंड सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। ये त्योहार सभी नागा जनजाति की संस्कृति को बनाए रखता है। इस त्योहार में ज्यादातर तो आपको नागालैंड की संस्कृति के बारे में ही देखने मिलेगा। आपको यहाँ पर ट्रेडिशनल एग्जीबिशन, कल्चर डांस, टैलेंट हंट जैसे कई सारे शो देखने मिलेंगे, और आपको वहाँ के लोगों के पुराने घर, उनके कपड़े और उनकी कला देखने का मौका मिलता है। इसके अलावा भी यहाँ पर आपको हैंडीक्राफ्ट से बनी बहुत सारी चीज़ें देखने मिलेगी। आप कोई भी चीज़ प्लास्टिक से बनी नहीं मिलेगी, बाम्बू या तो वुड से ही बनी हुई आपको चीज़ें देखने मिलेगी। इसके अलावा हम बात करें शॉपिंग की, तो यहाँ पर आपको शॉपिंग में हाथ से बनाए गए कंबल, मफलर या तो बाम्बू और वुड की बनाई डेकोरेटिव आइटम्स ही ज़्यादातर देखने मिलेगी। और खाने पीने के लिए कुछ अलग देखें तो यहाँ पर आपको राइस, बियर और कॉर्न टी जैसी खाने पीने की चीज़ मिलेगी। ये हॉर्नबिल फेस्टिवल काफ़ी फेमस है और हर साल कई लोग इसे देखने भी जाते हैं। अगर आपको ऐसी जगहों पर और ऐसी त्योहार देखना पसंद है तो आपको भी यहाँ पर ज़रूर जाना चाहिए। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। थैंक यू।